फ्रेंड्स, मैं शेफ आलोक श्रीवास्तव एकता होम फूड से आज मैं आपको ग्रीन टी बनाने की रेसिपी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये मैंने 4 कप पानी एक पैन में लिया है और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। पानी लगभग बॉयल सा हो गया है। जब ये काफ़ी बॉयल हो जाए तो हम इंडक्शन ऑफ कर देंगे। इंग्रेडिएंट्स में मैंने ये टाटा टेटली के ग्रीन टी सैशे लिए हैं, जो कि आप जब पाउच ओपन करेंगे तो ये इस तरह ये सैशे दिखाई देंगे। स्वाद के लिए मैंने थोड़ी सी अदरक, ये तुलसी की पत्तियाँ, और अगर आपको स्वीटनर डालना है तो ये हनी, डाबर का हनी मैंने ले रखा है। दोस्तों, अब इस खौलते पानी में मैंने थोड़ा सा अदरक जो मैंने लिया था ये डाल दिया है, और ये तुलसी की पत्तियाँ डाल दी हैं, और इसको फ्लेवर होने तक पानी को बॉयल कर देंगे। दोस्तों, ये पानी अच्छे से खोल गया है, अब हम इंडक्शन ऑफ कर देते हैं। इसको थोड़ा सा कोला इसलिए लिया था ताकि इसमें अदरक और ये तुलसी की पत्ती का एक्सट्रैक्ट अच्छी तरह से घुल जाए। अब इसको थोड़े 2 मिनट के लिए ठंडा होने को रख देते हैं। इन चारों प्यालों में मैंने एक एक सैशे टाटा टेटली ग्रीन टी का एक एक सैशे प्यालों में डाल दिया है। पानी थोड़ा सा ठंडा होके हम इसमें प्यालों में पानी को डालेंगे। दोस्तों, चारों प्यालों में मैंने पानी को डाल दिया है। अब इसको 1 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे ताकि ग्रीन टी का जो एक्सट्रैक्ट है वो पूरी तरह से इसमें आ जाए। हम इन प्यालों को हम प्लेट से थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, सो दैट कि वेपर्स ऊपर ना जाए और उन वेपर्स के साथ ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट पूरी तरह से पानी में घुल जाए। दोस्तों, ग्रीन टी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपका मेटाबॉलिज्म को सही करता है, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ही सूटेबल है, ये हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और वजन भी कम करता है। ग्रीन टी पीने का सही वक्त, इसको कभी भी खाली पेट न पिए, ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीना बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। अब हम ये चारों प्याले और इसको 2-3 बार सैशे को हर प्याले में डिप करते हैं। इससे पूरा ग्रीन टी आपके पानी में मिक्स हो जाएगा। आप खुद इसका कलर चेंज होता हुआ देखेंगे। स्वीटनर के लिए बहुत से लोगों को ग्रीन टी का टेस्ट नहीं अच्छा लगता है, कुछ कड़वा सा लगता है, तो स्वीटनर के लिए आप उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार शहद डाल सकते हैं। स्वीटनिंग के लिए मैंने इसमें शहद का इस्तेमाल किया है। जब हल्का सा ये पानी इसका ठंडा हो जाए तो ठंडे में इसको शहद आप डालेंगे, बिल्कुल गर्म खोलते हुए पानी में शहद नहीं डालेंगे। तो दोस्तों, ग्रीन टी तैयार है, अब आप इसको सिप करिए। लेकिन याद रखिए, खाली पेट ना पिए, ब्रेकफास्ट के 1.5 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, लंच के 1 घंटे बाद ग्रीन टी का सेवन करें। दिन में 2-3 बार सेवन करने से आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप एकता होम फूड्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।